राधिया, क्या ये सब नाटक? राधिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। राधिया, राधिया क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारी आजी? क्या है, सुबह से शाम तक हमारी फैमिली को परेशान करते रहते हो तुम लोग। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम हमें परेशान करने के लिए सब ड्रामा कर रही हो, या तुम्हें जेन्युइनली कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि क्या है? मेरी आजी की तरफ बातें कर रही हो, क्या हरकत है ये सब? राधिया, आर्यन के बाबा को बेटा बेटा बोल रही थी एकदम ऐसे जैसे सासूबाई आ गई हो उसमें। नको, मेरे को एक बात बता। क्या? उस जड़ी बूटी से ऐसा भी होता है क्या? नहीं गो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नको, मला खूब भीति होती है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे मेरे को तो तेरे से भी ज्यादा डर लग रहा है। ये झूठी चुड़ैल ऐसे कर क्यों रही है? भगवान ने तो हमें बिना बताए काली काली नहीं की ना? जैसे सिंदूर बदला था वैसे आपकी बार भी कुछ और। नहीं गर, वो ऐसा क्यों करेगी? और उसे मेरे सास के बारे में क्या पता? ये सब राव दे, मैं ना अभी आबा साहब के पास जाती हूँ। आर्यन के बाबा की जमानत भी तो करनी है। चल कहे भगत बसली, चल। हाँ चल चल। प्लीज मुझे परेशान मत करो आराध्या, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बता रहा हूँ। कितनी बार कहा तुझसे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। इस घर पे साया है तेरी आजी भामिनी राव की अतृप्त आत्मा का साया। सुना तूने? दूर हट जा इससे। बकवास बंद कर दीजिए, आप अभी बता रहा हूँ मैं कहाँ से। जा। तुम्हारी उम्र के लोगों को ये भूत प्रेत आत्मा ये सब बातें बकवास ही लगती है, लेकिन मेरे से पूछ। मौत जिनकी ऐसी हुई हो ना, जैसे कि तेरी आजी की हुई थी, किसी दुर्घटना में हुई हो या किसी की हत्या हुई हो, तो मरने वालों की आत्मा भटकती है। इसके अंदर भी तेरी आजी की आत्मा है। पूछ क्यों? क्योंकि ये एक देवदासी है और तेरी आजी को देवदासियों से नफरत थी। इस लड़की को घर से बाहर निकालेगा ना, तभी तेरी आजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मजबूरी समझकर मैं आपको इस घर में लेकर आयो, इसका मतलब यानी कि आप मुझे बताएंगे मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, एक बार इंसान मर गया मतलब मर गया। मैं भी इसे घर से अभी के अभी निकालना चाहता हूँ, पर इस तरीके से नहीं, कोई भूत प्रेत का बहाना देकर। आप अभी के अभी यहां से जाइए, वो बीमार है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है, जाइए। मूर्ख, क्यों अपनी आजी की आत्मा को दुख दे रहा है? देख, उनको नाराज करेगा ना तो वो जरूर किसी ना किसी की जान ले लेंगे। मेरे रिलेटिव जयराज ने आप पर हाथ उठाया, आपका घर उजाड़ा, जो भी किया उसने, उसकी वजह से आपको इस घर में पनाह दिया। अपना प्लीज आखिरी बार बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले इस घर से आपको निकालूंगा मैं, जाइए आप यहाँ से। तू मुझे यहाँ नहीं लाया है, समझा? तेरी आजी की आत्मा मुझे यहाँ लाई, और अब जब वो इस घर से जाएगी ना तभी मैं जाऊंगी। आपको कहाँ जा रहे हो? आपसे पूछो। मुझे नहीं पता ये सब क्या, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए यहां से आपको खींच कर लेकर जाने के लिए। ये तावीज इसकी रक्षा करेगा। सोच ले, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। और अगर मेरी सलाह मानेगा तो इस लड़की के कमरे से दूर चला जा, एक पल भी यहां मत रुक, वरना तेरी आजी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। वापस आ गई, मैं चली, आप वापस चली अपने गांव। एड़ी एड़ी झाली इसकी काय,
इस खिलाड़ी के साथ मुझे अकेला छोड़ के जाएगी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सासू माई है। सर, जाऊं बगुया। मैंने आई क्या अंदर? अरे तेरी सासू बहन ना मेरे से बहुत नफरत करती थी, उसके सामने गई ना तो सर पुड़ देगी मेरा वो। अब तो क्या भूत बन गई है, मेरे ऊपर आ गई तू। नहीं पापा, मेरी पेटी लेके मैं मेरे गाँव जा रही हूँ। हाँ नहीं, क्या है, मुझसे लपड़ा नहीं चाहिए मेरे को। आज वो छोटी चुड़ैल के पीछे पड़ी है, कल मेरे पीछे पड़ गई तो। चल 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 सबको यार। अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया लोगों ने। क्या बकवास है, इसे कोई भूत प्रेत होते हैं क्यों? मेरा मोबाइल कहाँ है? जब तक नींद नहीं आती नेट पर सर्च कर लेता हूँ। के सभी पढ़े लिखे गवार हैं, वो भी अपर कास्ट, शर्म आती है। सभी के सभी अंधविश्वासी हैं, हर कोई किसी ना किसी बाबा के गोद में बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता है पढ़ लिखने से दिमाग बढ़ता है या अंधविश्वास बना। मैंने यकीन करता हूं इस आत्मावाद के प्रकोप पर। बट आई हेट यू आराध्य, आई रियली हेट यू। एक बार तू ठीक हो जा, सूद के साथ वसूल करूंगा जो तुम तकलीफ दे रहे हो ना मुझे और मेरे परिवार को। बस ठीक हो जा बस। आखिर ऐसा हुआ क्या इसे? जगा दो इसे। नहीं सोने दे बाबा, ब्रश कर लेता हूँ जल्दी। नहीं इस बाथरूम में नहीं, कम से कम ये बीमार है, तब तक नो झगड़ा, दूसरे वॉशरूम चला जाता हूँ। मेरा टकली मेरा टकली मेर जाना गनाते बाईवाट टकली मेरा टकली मेरा टकली सासू भाई गाते थे। इस गुब्बारे भी तो तेरी सासू भाई जैसे कतर रही है। मेरा टकली पट टकली मैं मुड़ क्या सांसरा से। ये तेरे आज ऐसा क्यों कर रही है? मुझे आप भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो विश्वास हो गया, तेरे आची की आत्मा है। तेरे आची ने आत्महत्या की थी, उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है, मुक्ति नहीं मिली उनको अभी तक।
आजकल ना टीवी बहुत देख रही है, आजकल ना टीवी शो में सिर्फ और सिर्फ मैजिक शोज चलते हैं और कुछ नहीं है। आदमी मर गया, आत्मा भटक गई, ये सब ना सिर्फ फिल्मों में होता है। ओवर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। कौन चिल्ला रहा है मेरे घर में? माजा पोता आर्यन इकड़े ये बड़े इधर। अरे नहीं नहीं नहीं, मजा 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 मजा। अरे बस हो गया ड्रामा। अभी याजी के कपड़े पहनकर सुपारी काट कर किसको डराना चाहते हो तुम? हाँ, तुझे लगता कि मैं डर जाऊंगा? फिर याजी की कोई नई चाल है। चलो उठो और जाकर अपने कपड़े पहनो। मेरे पास ना ये एक ही काम नहीं बचा, बाबा की जमानत के लिए जाना है मुझे। जब तक मैं वापस लौटूंगा ना, जैसे तुम हो वैसी चाहिए। सुनाई दिया? जैसे तुम हो वैसे चाहिए। और तुम लोग जाओ, पिक्चर खत्म हो गई है, ज्यादा बढ़ाओ मत इसको। जाइए जाओ, मौसी चलिए। अजूबा के लाड ने इसको बिगाड़ के रख दिया। सुन भाई, सुपारी कतर के हो क्या? बांधा ने क्या? जा मी रत टाकली, मी वाट टाकली। पूर्वा, पूर्वा सच सच बता, क्या किया तूने आराध्या के साथ? आई, मैंने क्या किया? अरे वो छोटी चुड़ैल में अचानक इसकी सासू भाई आके बैठ गई ना। हाँ, वैसा ही उठना बैठना चलना, ऐसा कैसे हो सकता है? जड़ी बूटी में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं हो सकती। पूर्वा सच सच बता, तूने जैसे सिंदूर बदला वैसा ही कुछ किया है क्या फिर से? आई शपथ, मैंने सिंदूर के बाद कुछ नहीं किया। अरे आराध्या को देखकर मुझे तो ऐसे लगा कि आप लोगों ने फिर से कुछ किया शाश्वत अंकल को बचाने के लिए। मतलब वो छोटे चुड़ैल में सच्ची चुड़ैल आ गई? नहीं, मेरा मतलब है वो आबा साहब की बाइक को इसकी सासू भाई आ गई। माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसा तो हुआ है ना। मैं चली मेरे घाव। ए अरे रुक जा। सुन भाई, पांडा लाने को बोला था ना तेरे को? ये नक्कू बम की क्या करते तू? ये सुन भाई के कान भरने को इधर है। हाँ, अगली बार करेगी ना इस तरह से नाक काट दूंगी तेरी, समझे? ऐसे तो बात मैंने पट्टी है मैं इधर ही खड़ी रहने का। इस घर में मेरा ही छुकुम चलेगा, समझी? तो बोरिया बिस्तर पान के भिजवा दूंगी तेरे गाँव। भाई पांडान, मंत्र से भूत तो क्या आबा साहेब की हवेली के, ये भी नहीं भागेंगे।
सब के सब गए, पूरा राव खानदान गया। बुरे दिन शुरू, अच्छे दिन खत्म। तुम में से हर कोई कुछ न कुछ तो पाप किया ही है, और अब भुगतो अंजाम। देखो खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के मारेगी। एक काम करो, तुम्हारी पत्नी तो चली गई है, तुम भी भाग जाओ, 100 रुपए पैर रख के भाग जाओ अपने गांव। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। फिर हवेली की मुंडेर पे भूत बन के मर्राते रहो। नहीं जाऊंगा। बनवारी बनवारी, नहीं नहीं नहीं, तुम शुभांगी की माँ को, मेरी सासू माँ को नहीं जानते। बहुत प्यार करती थी मुझसे वो, मैं लाडला दामाद था उनका। ये लाडले दामाद, भूत प्रेत किसी से लाड प्यार नहीं करते, और जिसको करते हैं ना लेके उड़ जाते हैं उसको। भूत प्रेत की पिक्चर देखी है? देखी है? ऐसे गर्दन पकड़ेंगे, पहले इधर घुमाएंगे, बाद में इधर घुमाएंगे, और पास पटक देंगे। बनवारी, मैंने एक पापा से भूतों से रक्षा करने के लिए ताबीज बनवाए हैं। कलाई पे बांधा है और दूसरा गले में। दो दो ताबीज पहनने के बाद भूतों से क्या डरना। बनवारी डर गए? डरा मत मुझे। मुझे ना सासू माँ से एक बात करनी है, उनको कुछ याद दिलाना है। क्या भूत याद दिलाना है? ए, सुनो 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 मार्कंड बाबू, क्या क्या इंसान को याद दिलाना होता है? भूतों को सब याद रहता है, चुड़ैले कुछ भूलती नहीं है, समझे? कहीं याद दिलाते दिलाते आप ही याद न बन जाओ। मारो मारो मत। नहीं 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 बनवारी, तुम डरा मत मुझे। शुभंगी बाहर हुई, यही मौका है सासू माँ को बस में करने का। अच्छा हाल तू जलाल तू आई नहीं। सासू माँ कैसी हो आप? ताय करता है, मैं आपके पैर दबा दूं? पैर उल्टे हुए तो नहीं, मैं आपके पैर दबाता हूं। सासू माँ आप आ गई तो बाहर आ गए, मजा आ गया मुझे, एकदम हैप्पी हो गया। वो क्या है ना सासू माँ, आप तो चली गई, बेचारी शुभांगी हमेशा कहती थी कि मेरी आई मेरे लिए गहने छोड़ के चली गई। बताओ मुझे, बताओ, आप ही बताओ हमें, कोई क्यों सच बताए? सिर्फ आपकी बेटी शुभांगी को उसका हक नहीं मिला। अब अभी आप आ गई है तो बता दीजिए गहने कहाँ है। आएकता है ना, सुन रही हो ना आप? हेलो, लगता है सो गई, भूत कभी सोते नहीं है, जगाना पड़ेगा। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, अरे मैं सासू माँ, मैं आपका लाडला दामाद हूँ, मैं क्या कर? नहीं नहीं सासू माँ, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे मिटा दो। नहीं नहीं सासू माँ, मैं स्वार्थी कहीं का? कहाँ है मेरा बेटा? मेरे बेटे को क्यों नहीं लाया तुम? गहने चाहिए मेरे, जायदाद चाहिए, नकद का देते मैं तुझे। जायदाद चाहिए तुझे, जायदाद? स्वार्थी कहाँ है मेरा बेटा? क्या कर रही है? क्या कर?
पागल हो गया तुम, क्या हो गया तुम, पागल हो गए हो? राधिया, राधिया, राधिया। सासू माँ की आत्मा में तो सासू माँ से भी ज्यादा ताकत है, कहीं पहलवान की आत्मा भी नहीं आ गई ना इसमें? तुम आप ठीक हो? क्या हो गया? क्या है आराध्या, ये सब क्या पागलपन थी है? किस बात की स्ट्रेस है यार तुम्हें, किस बात की स्ट्रेस है? हाँ क्या स्ट्रेस तो मुझे होनी चाहिए यार, क्या हालत बना दी तूने मेरी लाइफ की। समझ में भी नहीं आ रहा कि तुझे देखकर मुझे दुख होना चाहिए या गुस्सा आना चाहिए। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा भी। अरे क्या कर रहा है तू? अरे इसे बांध के रखना चाहिए, तो तू इसकी मरम पट्टी कर रहा है क्यों? अरे बस कर प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, इस सारे मुझे तकलीफ, प्लीज। क्या कर दिया इसने, इसकी हालत तो देखा ही, तू क्या बातें कर रही है, ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या, ऐसे क्यों कर रही है ये? अब समझने को बाकी क्या आया? अरे तुझे दिख नहीं रहा, तेरे आजी की आत्मा आई है इसमें। जीते जी तो तेरी आजी को इन देवदासियों ने दुख ही दुख दिए। तू जानता है ये आजी तेरी वापस क्यों आई है इस देवदासी के शरीर में? इसे इस घर से बाहर निकालने के लिए। तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी आर्यन, तू समझता क्यों नहीं है? बस कर यार, आई बस कर ना यार। उठ, हट, दूर हट इससे। ये कुछ भी कर सकती है। कुछ नहीं करेगी वो। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी को भी मार डालेगी वो। बांध के रख, बांध के रख उसे। चोट लगी हुई आई, कैसे बांधूंगा इसके हाथों को? अरे तू भूल गया, इसकी आई पर भी हमला किया था इसने, ये बहुत खतरनाक है बेटा, बांध दे इसे। सोच मत, बांध बांध, जल्दी बांध। सॉरी आराध्या, तुम्हारे हाथों से कोई गलत काम ना हो इसलिए बांध कर रख रहा हूं तुमको। खुश, अब सोने दो उसे। चल कुछ तेरी आई बिल्कुल ठीक कह रही है, इस लड़की में तेरी आजी की आत्मा आ गई है, और कावेरी भी यही कह रही थी ना, बेचारी भाभी इसको कभी मुक्ति मिली ही, कुछ करना होगा। अब इस वक्त बाबा के बारे में सोचना चाहिए हमें, कल रात से लॉकअप नहीं है बाबा, नहीं वो जमानत के पेपर्स तैयार करवा लिए, एडवोकेट सरदेश पांडे भी पुलिस स्टेशन पहुंचे रहे होंगे, मैं एक्चुअली वो डिपॉजिट के पेपर्स लेने आया था, मतलब डिपॉजिट के पैसे लेने आया था बाबा, मैं जाकर बाबा को लेकर आता। ठीक है, शाश्वत को लेकर हम मठाधीश जी के पास जाते हैं, अब वही कोई उपाय बताएंगे। आते हैं, सोच रही थी कि ये दरवाजा हम बाहर से बंद कर दे, अंदर रहेगी तो ही अच्छा होगा सबके लिए। वो अगर बाहर आ गई ना, मुझे यहीं पे हार्ट अटैक आ जाएगा। चल चल चल, क्या वक्त है, बंद कर जल्दी जल्दी।
चिंता मत करो माइकल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? सॉरी आपको मेरा मेरी वजह से परेशानी हुई। नहीं नहीं ऐसी कोई, लॉकअप के बाहर कैसे? मेरा वो माइकल और डेविड ने मेरी बेल करवा दी। बाबा हमें डेविड जैसे इंसान की खैरात की जरूरत। लॉयर साहब बेल पेपर्स लेकर आते ही होंगे। उपाजी हम सॉरी, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके भाई ने जो किया मेरे बहन के साथ उसके बाद हम कोई हेल्प नहीं ले सकते आपसे, और ये आदमी तो मेरे नजर के सामने भी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे फूफा एक नामी वकील थे, तो बाबा साहब ने इनकी वकालत बंद करा दी, इसीलिए आज बरसों बाद इन्होंने मेरे केस को अपने हाथ में लिया है। इन्हें अपना काम करने दो, प्लीज इन्हें रोको मत। आपको सही लगता है तो ठीक है बाबा। बाबा आप लोग कुछ बात करें मेरे आने से पहले, और मुझे देखकर आप चुप हो गए। ऐसा तो नहीं कि डेविड कुछ नया ड्रामा कर रहा है? शाश्वत मेरे को कुछ केस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, तो मैं आता हूँ। आपके साइन लगेंगे, मैं बताता हूँ। नो प्रॉब्लम। मेरे बात का जवाब नहीं दी। हाँ बेटा, ये बात मैंने तुझे छुपाई, मैं बात किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बता देता। लेकिन पहले कसम खाओ कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। बाबा साहब को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों बताऊं? नहीं, कसम खाओ बेटा, कसम से बताइए। मैं उस दिन तुलसी पर हमला करने नहीं गया था, और चेन जो उस कुमुदनी को मिली वो भी मेरी नहीं थी। मेरी चेन तो मुझे घर के लॉकर में मिल गई। फिर आप अपने ऊपर ये इल्जाम ये माना ही क्यों आप? एक वजह है बेटा, माइकल को सरस्वती के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, और वही पैसे देने के लिए मैंने उसे वहां पुराने मंदिर में बुलाया था जहां पर कुमुदनी अटक के। अब अगर ये बात मैं इंस्पेक्टर धामनी के सामने बोलता तो बाबा साहब को पता चल जाता। मैं चुपके से लोगों की मदद कर रहा हूं, यही बात छुपाना चाहता था मैं उनसे, और इसीलिए चुप रहा। और कोई वजह नहीं थी बेटा। बाबा मुझे बहुत गर्व है बाबा आपका, कि मैं आपका बेटा। ठीक है बेटा, मठाधीश जी ने कहा है कि भामिनी की आत्मा की शांति के लिए घर में एक पूजा करनी होगी, और इस पूजा में घर का हर सदस्य शामिल होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा किया आपने आबा साहब। सासूबाई की आत्मा के प्रकोप से सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं। अच्छा है, मठाधीश को ही करने दो सब कुछ। मुझे लगता है मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए। उस देवदासी और उस आत्मा को संभालने की सिर्फ आप में हिम्मत है। आबा साहब सांगा ना याना। हाँ देखिए, आप रुक जाइए, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, लेकिन रुक जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सबकी भलाई चाहती हूँ। मेरे पूजा का वक्त हो गया, मैं चलती हूं। बाबा साहब, ये भूत प्रेत के समस्या का हल तो मिल गया, पर आर्यन के बाबा का क्या? वो कब आएंगे घर? आर्यन उसको लेकर आता ही होगा।
रात भर में सो नहीं पाई, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। अब यहीं रुकिए, मैं नजर उतारती हूँ आपके। आर्यन, वकील ने जमानत का काम ठीक किया ना? पेपर्स देखे ठीक से? जी जी हाँ, सब ठीक। तुलसी को मारने गया था, दिमाग ठिकाने पर है तेरा? अब आपको किसी की भी नजर नहीं लगी। याद है शाश्वत, चल आजा लड़का, तू आ गया जेल से, मेरा शाश्वत आ गया, हट यहां से। आना नहीं पास, मेरा बेटा, तू जेल चला गया था, तू आ गया वापस, तू कितना सूख गया, जेल में तुझे खाने को नहीं देते थे ना, तेरी आई है ना तेरे पास, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं। भी कुछ हो जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तू छोटा था ना, लहान होता, 5 साल का, तब तू साइकिल पे से गिर गया था, तेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी, तेरी आई तुझे अपने हाथों में लेके अस्पताल भागी थी, तेरी आंख में आंसू आने से पहले तेरी आई की आंख में आंसू आ जाते थे। शाश्वत, मेरा बच्चा, तू जेल से आ गया। मॉडलों के पैसे